हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा साउच किचन। आज मैं आपको मिल्क पाउडर बनाना बताऊंगी, जिसमें हमें सामग्री लगेगी 1 लीटर दूध, 100 ग्राम किसी भी शक्कर। कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ा लेंगे और इसमें हम दूध लेंगे। दूध हमको फुल फैट ही लेना है। मैंने पका हुआ दूध लिया है, आप कच्चा भी ले सकते हैं। गैस को हम तेज रखेंगे। दूध में उबाल आने देते हैं। देखिए फ्रेंड, दूध में उबाल आ गई है। अब हम गैस को मीडियम रखेंगे कि जिससे ये गिरे नहीं, और हमको स्थिर होकर इसको दूध को पकाना है, ज्यादा हमको चलाना नहीं है। मलाई को आराम से किनारों से हटा लेंगे और हमको दूध को ज्यादा चलाना नहीं है, स्थिर ही रहने देना है। ये देखिए, इस तरह किनारे पे मलाई लगी हुई है, इनको हम हटा लेंगे। बार बार इसी तरह हटाते जाएंगे और दूध हमको ज्यादा चलाना नहीं, इस तरह हम छोड़ देंगे और इसको दूध को हम गाढ़ा होने देते हैं। देखिए दूध गाढ़ा हो गया है, हमको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब हम इसको एक बर्तन में पलट लेंगे। देखिए मैंने थाली में पलट लिया है, दूध को ज्यादा पतला नहीं करना। अब इसको हम 6 से 7 घंटे के लिए पंखे की हवा में सूखने के लिए रखते हैं। चलिए देखिए, हमने इसको 12 घंटे के लिए पंखे की हवा में सुखा लिया था। इसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको। इस तरह हमको निकालना है और फिर से धूप में हम जब तक सुखा लेंगे तब तक ये अच्छी तरह से सूख नहीं जाएंगे। इस तरह हमको चारों कोनों से निकाल लेना है। ये देखिए हमने निकाल ली है, अब इसको सुखा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सूख कर तैयार हो गई है रबड़ी हमारी, हमने कुर्सी की और सुखा लिया हमने एक दिन के लिए। अब इसको हम ग्राइंडर में पीसेंगे। देखिए फ्रेंड, ये पिसकर तैयार हो गया है। मिक्सी में हमने इसको अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब इस पे हम 100 ग्राम शक्कर ऐड करेंगे और साफ हाथों से मिला लेंगे। शक्कर मिला ली है अच्छे से, अब इसको हम छान इस तरह हमको गांठे फोड़ लेनी है और छान लेनी। इसी तरह सारा मिल्क पाउडर इसी में डाल लेंगे और छान लेंगे। देखिए पूरा छानकर तैयार हो गया है, थोड़ी दानी बची है, इसको मैं नहीं पीसूंगी। अब इसको हम एक बार और दो बार छानने से बहुत ही चिकना पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए हमने दोबारा भी छान लिया है इसको पाउडर को, ये पूरी तरह से छान गया है। इसी तरह हमको देखिए मार्केट जैसे दूध बनकर तैयार हो गया है, आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। ये देखिए, कोई भी एयर टाइट डब्बे में भरकर आप फ्रिज में रख सकते हैं 2 महीने के लिए। फूड से रिलेटेड कोई भी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।